देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपको इस पे फिंगर रखना सिखाती हूँ और कहाँ कहाँ पे सरगम बजेगा। सा सुर आपको पता ही होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है ना। पा धा नी सा यह रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। समझ में आया? देखिए, सा ये वाली फिंगर है, फिर रे थम नीचे, गा मा पा धा नी सा। गा और धा पे हमारा थम रहेगा, या ऐसे याद रख सकते हैं। अब पंखे को अगर आप बिगिनर्स हैं और अगर आपने न्यू न्यू हारमोनियम लेना है, ध्यान रखिए खाली में हारमोनियम ना बजाएं, आपका हारमोनियम ख़राब हो सकता है। जब आप बटन जब टैप कर रहे हों, दबा रहे हों उसके कीज, तभी आप पंखे को हिलाएं, ठीक है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, पर हारमोनियम होता है ना फर्स्ट टाइम ख़राब हो जाता है। आप बिगनर्स होते हैं, आपको कोई बताता नहीं कि कैसे हारमोनियम चलाना है। तो चलिए फर्स्ट सरगम करते हैं। करके सीख सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी ही फर्स्ट टाइम, लेकिन आप बजाना सीख जाओगे अच्छी तरह से, रियाज के साथ, प्रैक्टिस के साथ। जिसको लगन है वो तो सीख जाता है। सेकंड सरगम है गया, ठीक है ना। जो फोर्थ सरगम है, जैसे कि हम सारे थर्ड सरगम में तो हम रुकते हैं, सारे गा गा थोड़ा लंबा लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को, हम थोड़ा लंबा लेते हैं हर तीसरे वर्ड वर्ड अक्षर पे, ठीक है। लेकिन फोर्थ सरगम में हमें कॉन्टिन्यूसली चलते रहना है इस तरह से। देखिए इस तरह से, ये तो स्लोली बजाइए या तो फास्ट बजाइए, लेकिन बराबर बराबर बीट होना चाहिए। मैं बता देती हूँ अवरोह किसको कहते हैं और आरोह किसको कहते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक चलते हैं उसे आरोह कहते हैं, अगर हम यहाँ से लेकर उल्टा यहाँ तक चलते हैं उसे अवरोह कहते हैं। जैसे अभी मैंने बजाया सारे गा मा रे गा मा पा, ऐसे सीधे को जब हम जाएंगे उसे आरोह बोलेंगे, जब उल्टा आएंगे अवरोह बोलेंगे। फिफ्थ सरगम के हम बजाते हैं अब, फिफ्थ सरगम को मैं अब आरोह बजा रही हूँ, ठीक है। सारे गा मा पा